24 एग्जाम कंडक्ट हुई, उसके बाद पूरे भारतवर्ष में विद्यार्थियों में असंतोष उत्पन्न हो गया। और असंतोष उत्पन्न होने का मुख्य कारण यह है कि बिहार में 17 विद्यार्थियों को इस परीक्षा में चीटिंग करते हुए पुलिस ने पकड़ा, हिरासत में लिया। उसके बाद हरियाणा के झज्जर में जिस तरह से खबरें आई, गोधरा से जिस तरह से खबरें आई, उसके बाद लगातार जो है विद्यार्थियों में असंतोष उत्पन्न हो गया और उनकी एक ही मांग है कि नीट परीक्षा 2024 दोबारा होनी चाहिए। मेरे साथ यहां पर मौजूद है इन्फिनाइट एडुवर्स के डायरेक्टर आकिब हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद है। हुसैन साहब ये बताइएगा कि सिरोहा साहब सिरोहा साहब ये बताइएगा कि क्यों आपको लगता है, कौन से ऐसे बिंदु है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये परीक्षा इस परीक्षा में पूरी तरह से धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है? नमस्कार जी, जैसे पिछले कई दिनों से एक मुद्दा है, नेशनल इश्यू बना हुआ है कि जब 5 मई को जब नीट का पेपर हुआ था तब उसके बाद बच्चों को, गार्जियंस को, हम टीचर्स को काफ़ी सारी उम्मीदें थी कि इस बार बच्चों ने जो अच्छी मेहनत करी है, जिन बच्चों ने जहाँ से भी अच्छी मेहनत करी है, अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन अचानक एनटीए की तरफ से क्या होता है कि 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, जिसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 14 जून थी। अचानक जब रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है तो जब हमने रिजल्ट का एनालिसिस किया तो काफ़ी इसमें धांधली आई। और उससे पहले भी, चाहे वो गुजरात हो, चाहे हरियाणा, चाहे बिहार हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे झारखंड हो, उसमें चाहे सेंटर पे चीटिंग की हो, पेपर लीक की हो, काफ़ी सारे एविडेंसेस मिले थे। तो ये सारी चीज़ें जो सामने आ रही थी, लेकिन एनटीए इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम में धांधली हुई है, इस चीज़ को एनटीए क्लियरली नकार रहा है, जबकि ये सबूत काफ़ी प्रॉपर है, मतलब बहुत काफ़ी सफिशियंट है ये चीज़ को मानने के लिए कि चीटिंग तो इसमें हुई है, धांधली हुई है। लेकिन एनटीए अपनी गलती छुपाने के लिए उन लाखों बच्चों के साथ अन्याय कर रहा है जो पूरी साल मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। गुजरात का चाहे केस ले लो, चाहे हरियाणा का ले लो, चाहे बिहार का ले लो, चाहे झारखंड का ले लो। जैसे झारखंड के एक ही सेंटर से बता रहे हैं कि 8 बच्चे ऑल इंडिया टॉपर है। अच्छा, ये जो 67 जो टॉपर्स हैं उनमें से झारखंड से भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एक ही सेंटर से, जो हजारीबाग जो सेंटर था, उसमें से 8 बच्चे ऑल इंडिया टॉपर बता रहे हैं। तो आज तक जो हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस है 10-12 साल का, तो उसमें हमने देखा एक ही सेंटर से 8 ऑल इंडिया टॉपर निकलना कोई नॉर्मल बात नहीं है सर। पर झज्जर में भी ऐसा ही हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। और जो है कि जैसे एनरोलमेंट होता है, एडमिशन फॉर्म की जो डेट होती है, उसके 20-25 दिन बाद वापस एक दिन के लिए विंडो ओपन करी जाती है। और सबसे बड़ी बात है, जो वापस विंडो एक दिन के लिए ओपन होती है उसमें ये क्यों ओपन की गई विंडो, यही चीज तो एनटीए ओपन नहीं कर रहा है कि जो एक दिन के लिए वापस विंडो ओपन करी गई थी। मजे की बात, सबसे अचंभे की बात है कि जो मैक्सिमम टॉपर उस एक दिन वाले एनरोलमेंट में है, उसी में है। तो सबसे बड़ी बात तो क्या है कि एनटीए इस चीज को भी कुछ ओपन क्लियर नहीं कर रहा है कि जो एक दिन के लिए वापस विंडो ओपन क्यों करी गई थी और उनका जो ऑल इंडिया टॉपर आ रहे हैं उनका सेंटर एज का कैसे आया। इन चीजों के लिए एनटीए कोई किसी भी प्रकार की सफाई नहीं दे रहा। तो ये एक संयोग भी तो हो सकता है कि संयोग से इतने स्टूडेंट एक साथ आ जाए? सर, संयोग से एक ही सेंटर पे, या ये प्रयोग मान रहे हो आप? प्रयोग सर, ये साजिश है सर, साफ साफ अगर मैं कहूँ तो, एज ए टीचर अगर मैं बोलूँ तो ये साजिश है। ये पूरी प्लानिंग के साथ था सर। एक दिन विंडो ओपन होना गलत बात नहीं है, लेकिन एक दिन, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो विलंब हुआ है जिन सेंटर्स पर, उनको हमने ग्रेस मार्क दिया और इस वजह से उनके अंक बढ़ गए। नहीं सर, एक्चुअल में ग्रेस मार्क्स का जो रूल होता है सर, वो होता है जैसे 2018 में क्लेट का पेपर हुआ था, वो सर ऑनलाइन मोड पे होता है। ऑफलाइन मोड पर पहली बात तो ग्रेस मार्क्स का ऐसा कोई रूल नहीं है। रही बात जो एनटीए इस चीज के लिए सफाई दे रहा है कि बच्चों को पेपर में लेट हुआ था, किसी को 30 मिनट, किसी को 40 मिनट, तो सबसे अजीब बात है कि जो सेंटर के प्रिंसिपल थे, जहां पर एग्जाम का सेंटर था झज्जर में, उस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट आया कि बच्चों को एक भी मिनट लेट नहीं हुआ, टाइम पे पेपर मिला। यानी एनटीए अपनी जो साजिश है, अपनी जो प्लानिंग थी, उसको किसी और पर थोप रहा है कि सेंटर में बच्चों को टाइम कम मिला था, इस वजह से बच्चों को, किसी को 200, किसी को 300 ग्रेस मार्क्स मिले। तो ये तो साफ साफ चीज सामने आ रही है कि जो स्कूल प्रिंसिपल है वो ओपनली आके स्टेटमेंट दे रही है कि किसी भी टाइप का कोई लेट नहीं हुआ था, बच्चों को एग्जैक्ट 2 बजे पेपर मिल चुका। लेकिन अब तो 1563 जो स्टूडेंट्स है उनकी एग्जाम एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, वो पुणे एग्जाम करवा रहे हैं, तो 1563 तो करवा रहे हैं सर। एक्चुअल में जब बताया गया कि 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए सर, रियल डाटा ये है कि 1563 नहीं, इसमें से 1563 बच्चे आएंगे ईमानदारी से अगर देखे तो। क्योंकि एक्चुअल में मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि सर जब 650 नंबर पर नॉर्मली बच्चे की ऑल इंडिया रैंक आती थी 4000, अब बच्चे की वही रेंज सर 25,000 पे जा रही है।
नॉर्मली, यानी जो टॉपर कैटेगरी में बच्चा आता था वो बच्चा अगर आप पीछे दो तीन या पांच सालों की बात करें तो कैसे रेशियो बढ़ा है, अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए 620 फिर अगले साल 630 हुआ ऐसा, बिल्कुल तो अगर चार पांच सालों का अगर विश्लेषण करें तो क्या आप क्या पाते हैं उसमें? सर विश्लेषण का ये है कि देखो नो डाउट कि धीरे धीरे कंपटीशन का माहौल बढ़ रहा है, कंपटीशन का माहौल बढ़ता है तो सर इतना ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आता कि जैसे लास्ट ईयर मान लो 608 610 पे मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ था, ठीक है, तो इतना ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आता कि सर 610 से सीधा 650 के ऊपर भी बच्चा इंश्योर। वो कह रहे पेपर सरल आया था? सर पेपर इतना सरल नहीं था, पेपर कितना भी सरल हो मैक्सिमम डिफरेंस आता है सर 10 नंबर के आसपास, एग्जाम का लेवल इतना भी ज्यादा चेंज नहीं हुआ कि बच्चा सीधा 40-50 मार्क्स कट ऑफ को बढ़ा दे। कंपटीशन बढ़ा होगा, पेपर थोड़ा सा इजी होगा मान लेते हैं, लेकिन ऑल इंडिया की जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जितने भी टीचर्स है सबने जो अपनी कोचिंग है अपना रैंक प्रेडिक्टर जो दिया था उसमें जो बच्चों की रैंक आ रही थी उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ आ रही थी सर मैक्सिमम जैसे 615-20-25, और हम भी इस चीज के लिए श्योर थे कि चलो ऑल इंडिया पूरी कोचिंग टीचर्स ने सबने अगर मैक्सिमम 620 या 25 बोला है तो 630 तक भी बच्चा सिक्योर है। लेकिन उस दिन जब हमने रिजल्ट देखा तो 650 वाले बच्चे की रैंक देखी तो हमें खुद को ये चीज शॉक लगी कि जो बच्चा मेहनत करके 650 नंबर बना रहा इस पेपर में उसके साथ तो साफ साफ सर ये अन्याय हुआ है। अच्छा गोधरा वाले में आपको क्यों लगता है कि वहाँ गड़बड़ी हुई है या बड़े स्तर पर माफियाओं ने काम किया है? सर सीधी सी बात है जब पेपर के एविडेंस मिल रहे हैं, पेपर जलाए हुए मिल रहे हैं, पेपर की कॉपी मिल रही है, जलाए हुए तो बिहार में मिल रहे हैं, यहाँ तो वो जिस तरह से कहते हैं कि 7 बजे ही वहाँ जो CS है वो बंडल लेकर आ गए और स्टूडेंट से कहा गया कि आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा और जो आ रहा है उसको भर दीजिएगा, ऐसा कोई एग्जाम में ऐसा नियम है कि आप अब ये जो इन्विजिलेटर ये कहे कि जो आ रहा है आपको भर दो बाकी हम भर देंगे? सर ये तो एग्जाम का रूल सिर्फ वहां अप्लाई होता है जहां पर खुद की मिली भगत होती है, सेंटर हेड मान लो इन्विजिलेटर मान लो अगर उनको पहले से आदेश होता है कि आपको इस टाइप से बच्चों की हेल्प करनी है तो वहां पर ये चीज अप्लाई हो सकती है। बाकी अगर जेन्युइनली बात करें सर ईमानदारी से अगर बात करें तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि इन्विजिलेटर है या सेंटर हेड है बच्चों को ये आके बोले कि जो आपको आता है वो आप कर देना। अच्छा से, जो CS है उसके लिए कोई रूल ऐसा है कि 2 बजे एग्जाम कंडक्ट? बिल्कुल और वो 7 बजे लेकर के आ गए वहां से, मतलब थाने से लेकर आ गए थे तो अब इस दौरान मतलब इतना समय क्या इससे पहले ला सकता है ऐसा? नहीं सर एक्चुअल में क्या होता है पहली बात तो देखो सारी ये चीजें होती है कि सर बहुत ज्यादा निगरानी में होता है। अब जैसे बिहार का केस आया था तो बोला गया कि जब पेपर है दोपहर को 2 बजे होना है और सुबह 7 बजे वो पेपर बांटे जा रहे हैं और बच्चे अपने मुंह से इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें जो पहले दिन पेपर मिला था पेपर रटवाया गया था एज इट इज पेपर आया लेकिन फिर भी NTA क्या है अपनी गलती औरों पे डाल रहा है। यानी जो 25 लाख 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था उनके और उनके गार्जियन के साथ तो ये साफ साफ ये खिलवाड़ रही है। क्या ये भी आशंका उत्पन्न करता है कि गुजरात में एग्जाम देने के लिए झारखंड से महाराष्ट्र से बिहार से उड़ीसा से स्टूडेंट्स आए? बिल्कुल बिल्कुल सर एग्जैक्ट तभी तो ये चीज सामने आ रही है सर ये सारी चीजें प्लानिंग से होती है तभी तो क्या होता है एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं उनको एक पर्टिकुलर सेंटर अलॉट किया जाता है और फिर उनकी पर्टिकुलर हेल्प करी जाती है। सर ये तो सेम वैसी हो गया जैसे एग्जाम में चल के खुद चीटिंग करवाई जा रही है और ये चीजें प्लानिंग से होती है सर ये संयोग नहीं हो सकता कॉन्सिडेंस नहीं हो सकता क्योंकि इतनी सारी चीजें सामने आ रही है चाहे पेपर लीक का हो पेपर के एविडेंस मिलना हो सेंटर पे चीटिंग का मामला हो ग्रेस मार्क्स का मामला हो तो सर एक ही एग्जाम में जो ऑल इंडिया लेवल पर इतनी बड़ी एग्जाम है सर एक इतने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए डिसाइड एग्जाम होती है तो इतनी बड़ी एग्जाम में इतने सारे कॉन्सिडेंस एक साथ पॉसिबल नहीं है सर। अच्छा झज्जर पर जो हुआ उसमें सेट ए और बी वाला मामला भी था पूरे देश में तो अलग सेट खुलता है वहां अलग खुलता है तो इसके लिए कोई रूल है या कोई नहीं? नहीं सर रूल कुछ नहीं है देखो सेंटर पे देखो बात को आप कैसे भी मॉडिफाइड कर दो कि ये सेक्शन ए था सेक्शन बी था सेट ए था सेट बी था ये सारी चीजें देखो गलती अगर कहीं पर होती है तो मुश्किल से सर मान लो 2-5 बच्चों के साथ हो सकता है कि जैसे हिंदी मीडियम वाले को इंग्लिश का इंग्लिश मीडियम वाले को हिंदी वो हो सकता है वो 2-4 बच्चे सामने आते हैं लेकिन सेट ए मिल गया सेट बी मिल गया ये सारी चीजें एक ही बात मैं फील कर रहा हूँ इस चीज को इतनी सारी गड़बड़ियां सर ये संयोग नहीं हो सकते कहीं ना कहीं बच्चों के साथ ये खिलवाड़ है सोच समझ कर एक साजिश करते हैं जी। तो अब अगर मोटे तौर से बात करें तो क्या होना चाहिए? होना चाहिए सर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि देखो सर बच्चा पूरी साल मेहनत करता है बच्चा पूरी साल मेहनत करता है ज्यादातर अपने जो देश में है सर लगभग 90% गार्जियन ऐसे होते हैं जो दिन रात खेती बाड़ी मजदूरी करके किसी से उधार लेके कर्जा लेके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत से तो गहना गिरवी रखे गहना गिरवी रखे खेत घर गहना गिरवी रख के पढ़ाते हैं एक उम्मीद के साथ
कि हमारी जिंदगी मजदूरी करते हुए या अभाव में निकल गई, एक कम से कम हमारा बच्चा है, हमारी बच्ची है, कम से कम उसकी जिंदगी संवर जाए, वो एक अच्छे पद पे हो, एक अच्छी रेपुटेशन उसकी हो, एक उम्मीद के साथ बच्चा दिन रात यहाँ पर मेहनत करता है, चाहे वो सीकर हो, जयपुर हो, कोटा हो, दिल्ली हो, बेंगलोर हो, एक्स वाई जेड किसी भी एरिया पे अपन बात करें, बच्चा दिन रात मेहनत करता है, 90% गार्जियन अपने मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाते हैं, और बच्चा जब दिन रात मेहनत करता है तो हम एज ए टीचर बच्चों के साथ पूरी साल उनको हिम्मत बनाते हैं कि बेटा आप मेहनत करो, आप मेहनत करोगे तो ऐसे होगा वैसे होगा, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, आपके माँ बाप के सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन जब इस टाइप से एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, इस टाइप का रिजल्ट आता है, तो एक ऐसे शिक्षक के रूप में एज ए टीचर हमें खुद को ये चीज़ फील होगी, जिस दिन हमने रिजल्ट देखा था कि हम हार गए। यानी जब दिन रात बच्चा मेहनत मजदूरी करके माँ बाप पढ़ा रहा है, बच्चा मेहनत कर रहा है, उसके बाद बच्चा 630-640-650 जो अब तक सिक्योर स्कोर हुआ करता था वो बनाने के बाद भी बच्चे का हम खुद उसका चेहरा नहीं देख पा रहे, यह हालत हो रही है बच्चों की, बच्चों से बात नहीं कर पा रहे। तो सर मैं एनटीए से डिप्रेशन में, बिल्कुल बहुत हद से ज़्यादा डिप्रेशन में, कई गार्जियंस का कॉल आता है कि सर बच्चा उस दिन से लगातार रोए जा रहा है। अब आप अंदाजा लगाओ, अपने खुद के बच्चे भी अपन लेके चले कि अपने बच्चे ने प्रॉपर मेहनत करी हो, लेकिन एक चीटिंग के तहत, एक साजिश के तहत बच्चे के साथ अगर गलत हो तो अपन अपने खुद के बच्चे को कैसे डील करें। हम हमारे हर स्टूडेंट के लिए यही चीज़ सोचते हैं, चाहे हमारी कोचिंग इन्फाइनाइट एजुकर्स में पढ़ाओ या किसी और कोचिंग से बच्चा पढ़ाओ, एक ही बात है सर एक शिक्षक के रूप में कि जिस बच्चे ने दिन रात मेहनत करी है उस बच्चे के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा सिर्फ मेहनत नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ मुद्दा एक एग्जाम का नहीं है सर, मुद्दा है सर लाखों बच्चों के, लाखों माँ बाप के सपनों का, उन सपनों के साथ खिलवाड़ किया गया। बच्चा दिन रात मेहनत करता है सिर्फ ये कि मैं साल के अंत में जब मेरा रिजल्ट आएगा तो मेरे माँ बाप के चेहरे पर खुशी होगी। लेकिन अब जब एग्जाम का रिजल्ट आया, सर एनटीए ने रिजल्ट डिक्लेयर किया, बच्चे के माँ बाप क्या, बच्चे क्या, हम शिक्षक क्या, हम सब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो मैं सीकर की जितनी भी कोचिंग्स है या और कहीं किसी भी एरिया की कोचिंग्स है, उन सबसे मैं खुद ये दरखास्त करूँगा एज ए टीचर कि बच्चों की कामयाबी के लिए जश्न मनाने के साथ साथ, आप स्पेशल आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों की कामयाबी के लिए जश्न मनाने के साथ साथ उन बच्चों के बारे में भी जरूर सोचिए जो सिलेक्शन के हकदार थे, अच्छी रैंक, अच्छी कॉलेज के हकदार थे। एक टेक्निकल प्रश्न और बीच में करना रोकना चाहूंगा, जैसे 718 नंबर आए, 19 आए, ये क्या प्रोसेस है कि एक प्रश्न आपका गलत हो रहा है तो कितने अंक कटेंगे? जैसे 720 का पूर्णांक है तो कितना आएगा अगर बात करें तो? एक्चुअल में सर क्या होता है कि जैसे मान लो बच्चे के टोटल जो मार्क्स आते हैं 720 का पेपर होता है, ठीक, उसमें सर एक नंबर होता है चार, जैसे एक क्वेश्चन चार नंबर का होता है, ठीक है, और गलत होने पर एक माइनस का मार्क्स बिल्कुल 5 हो गए, बिल्कुल। तो मतलब 720 से 705 निकालो, 715 या तो 715 अगर एक नेगेटिव किया तो, हाँ, यानी अगर बच्चे ने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है, जैसे मान लो 180 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बच्चे ने छोड़ दिया अपनी मर्जी से, अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो उसको मिलते हैं 716 नंबर, 716 यानी चार नंबर कम हो जाएंगे एक क्वेश्चन के, ठीक है। लेकिन ये 19 कैसे आए? 19 सर आज तक हमें खुद एक टीचर हमें समझ नहीं आया 718 19 की गणित कैसे बनाई उन्होंने सर आज तक, न ये गणित तो बनती है, बनना पॉसिबल है, ये गणित तभी पॉसिबल है जब, और ये कितने के बनाए होंगे, मतलब 719 मतलब इसका कोई उल्लेख एनटीए कर रहा है क्या, या कोई जैसे कोई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि साहब हमको बताओ, क्या वो बता पा रहा है कि इतने स्टूडेंट्स के हमने 719 दिए, ऐसा कुछ खुलासा किया? सर एनटीए का एक ही उल्लेख है कि जिन बच्चों के सेंटर में टाइम की वजह से थोड़ा सा मान लो बच्चों को डिस्टरबेंस हुआ था, उसको हमने किसी को 100, किसी को 200, किसी बोला है, एग्जैक्ट तो वो डाटा भी नहीं बताया कि किस किस बच्चे को मिला और कितना मिला है, बस ये बताया कि जिस सेंटर पे बच्चों के टाइम में डिस्टरबेंस हुआ था, लेट हुई थी, उसमें किसी को 100, किसी को 50, किसी को 200 ग्रेस मार्क्स दिए, इस टाइप से ऐसी गणित सामने आई। वो संख्या 1563 मान रहे हैं और आप कितने मान रहे हैं? 15063 या 30063 मान रहा हूँ। इतना जा सकता है? बिल्कुल सर जा सकता है, ये ग्रेस मार्क्स नहीं, ये चीटिंग वाला साथ में शामिल है। अच्छा, तो क्या अपनी कमी छुपाने के लिए सर वो बात होगी कि मैंने लाखों की चोरी नहीं की, मैंने सिर्फ एक नोट उठाया था, मैंने तो खाली बाकी चोर मैं नहीं हूँ, तो ये तो अपनी चोरी अपनी गलती छुपाने वाला केस हो गया कि हमने जो 1563 बच्चे उनको ग्रेस मार्क्स दे दिया, बाकी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। यानी आज भी एनटीए एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये चीज सामने बार बार ये चीज झूठ बोली जा रही है कि पूरी पारदर्शिता के साथ एग्जाम हुई थी, एग्जाम की जो प्योरिटी है, पवित्रता, उसके साथ कुछ भी खिलवाड़ नहीं हुआ, जबकि एक्चुअल में सर ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप थे इन्फाइनाइट के डायरेक्टर साहब सिरोहा साहब, जिन्होंने कहा कि निश्चित रूप से एग्जाम की जो पवित्रता है उसके साथ खिलवाड़ किया गया है। मुझे एक शेर याद आता है एनटीए पर कि तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं,
तेरी रहबरी का सवाल है, तेरे नेतृत्व का सवाल है। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ढेर सारी जानकारी दी और विद्यार्थियों के हितों के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। एक बार पुनः आपको धन्यवाद।